इनकाउंटर हुआ, फिर वहाँ से ये भागे हैं, इनकाउंटर तोड़ के भागने की कोशिश की है इन लोगों ने, और उसके पीछे ये जो हमारे जवान जो हैं वो उसके पीछे गए हैं उनके चेस करते हुए, और उसके अंदर इनकी कैजुअल्टी हुई है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान ये मानने वाला नहीं है और पाकिस्तान ना ये बंद करने वाला है, ये तो हमें सोच लेना चाहिए। इसके लिए हमें पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट इम्पोज करनी पड़ेगी। ये जे के का एरिया है, ये जो सारा हमारा जो कश्मीर जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान अपने इलाका नहीं मानता इसको, ये सिर्फ एक टेरिटरी मानता है उसको। तो जब तक इसके जो वो जो पंजाबी जो लोग हैं, जो चाहे फौज में हैं चाहे वो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन में है, जब तक उनके ऊपर कॉस्ट नहीं पड़ेगी, वो नहीं मरेंगे, तब तक ये पाकिस्तान रोकने वाला नहीं। इन्फिल्ट्रेशन वगैरह कराने की कोशिश कर रहे हैं या इनके कैंप वगैरह जो भी है वहाँ उसको उड़ा देना चाहिए सारा। देखिए ऐसा है, ये जो इलाका है पीर पंचाल का, इसके अंदर ये जो हमें पता है कि कुछ ये जो आतंकी हैं वहाँ सक्रिय हैं, तकरीबन 40 से 50 हैं, और ये जो हैं क्या कर रहे हैं कि इनका जो इनके पीछे जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो उनके पीछे लगे हुए हैं। और ये जो इनकाउंटर अभी डोडा में हुआ, ये बेसिकली सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन था जिसके अंदर हुआ इनकाउंटर हुआ, फिर वहाँ से ये भागे हैं, इनकाउंटर तोड़ के भागने की कोशिश की है इन लोगों ने, और उसके पीछे ये जो हमारे जवान जो हैं वो उसके पीछे गए हैं उनके चेस करते हुए, और उसके अंदर इनकी कैजुअल्टी हुई है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान ये मानने वाला नहीं है और पाकिस्तान ना ये बंद करने वाला है, ये तो हमें सोच लेना चाहिए। इसके लिए हमें पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट इम्पोज करनी पड़ेगी, और कॉस्ट इम्पोज करने के लिए सबसे अच्छी तरीका है कि हम अपना जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा कठुआ और उधर, क्योंकि पाकिस्तान तो उसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानता ही नहीं है वो, तो वहाँ से हम जो हैं पंजाब के एरिए के जो अंदर हैं वहाँ पर हम उसके जो पंजाब के जो है उधर एरिए में वहाँ पर उसको करिए, ताकि पाकिस्तान को जब तक ये इनको जो पंजाब के अंदर नहीं इनको असर पड़ेगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये जो POJK का एरिया है, ये जो सारा हमारा जो कश्मीर जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान अपने इलाका नहीं मानता इसको, ये सिर्फ एक टेरिटरी मानता है उसको। तो जब तक इसके जो वो जो पंजाबी जो लोग हैं, जो चाहे फौज में हैं चाहे वो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन में है, जब तक उनके ऊपर कॉस्ट नहीं पड़ेगी वो नहीं मरेंगे, तब तक ये पाकिस्तान रोकने वाला नहीं। तो इससे अच्छा, सबसे अच्छा यही है कि हमें जो है पाकिस्तान के लिए जो पंजाब की साइड से है वहाँ से इनके जितने ये इनके जो बने हुए हैं चाहे इनके आउटपोस्ट हैं जहाँ से ये इन्फिल्ट्रेशन वगैरह कराने की कोशिश कर रहे हैं या इनके कैंप्स वगैरह जो भी है वहाँ उसको उड़ा देना चाहिए सारा, और फिर देखें, फिर आप देखिए कैसे नहीं पाकिस्तान मानेगा इसको। क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे, कॉस्ट हम इम्पोज नहीं करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान यही करता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।